अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटिल एंजल। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ बेबी प्रॉब्लम शेयर करने जा रही हूँ, डायपर रैशेस, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं न्यू बोर्न बेबी को, और ये अनहाइजेनिक की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये जो सिम्टम्स, इसलिए ये आप देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में जो मैंने एक क्लिप शेयर कर रही हूँ। बेबी को हम एक्सेस डायपर जो है, डायपर चेंज करने के बाद डायपर हम फ़ौरन कर देते हैं, ठीक है, ये गलत है। फिर हम दूसरा वाइप्स से वो नीटनेस या क्लीन नहीं आती, जस्ट वो तो वीडियो के लिए रहते हैं ये जो है डायपर है, ठीक है। वैसे तो आपका ये है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप वाटर से आप वॉश करें बेबी की जो प्राइवेट स्पेस है, ठीक है, आप वॉश करें, और जब भी पैम्पर यूज़ करें उससे पहले आपने बच्चे को वॉश करने के बाद आपने ड्राई करना है, ठीक है, क्यों ताकि वो जो जरासीम होते हैं वहाँ पर, वैसे भी आप ड्राई करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ड्राई करने के बाद आपने एक पाउडर शेयर कर रही हूँ बेबी मदर केयर का है, गो रैश पाउडर, आपने इसका स्प्रिंकल कर देना है, और स्प्रिंकल करने के बाद आपने 5 to 10 minutes आपने इसे ओपन रहने देना है, ठीक है, और फिर इसके बाद आपने पैम्पर यूज़ करना है। जी फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ़ यू, अल्लाह हाफिज़।